नमस्कार, मैं भूमि चौधरी और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन आज पेश होगा कृषि कानून वापसी बिल। संसद का 25 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान कृषि कानूनों को रद्द करने सहित 36 विधेयकों को पारित कराया जा सकता है। साथ ही माना जा रहा है कि पेगासस विवाद और कीमतों में बढ़ोतरी सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। इस मामले से जुड़ी अहम जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। शीतकालीन सत्र के 19 बैठकों में केंद्र सरकार 36 विधायी विधेयक और एक वित्त विधेयक पेश कर सकती है। कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए विधेयक को पहले दिन लोकसभा में पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इसे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पेश करेंगे। सत्ता में मौजूद भाजपा और विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपने सांसदों को उपस्थित रहने के लिए आज व्यक्त जारी किया है। इस सत्र में कई अन्य महत्वपूर्ण बिलों के विधेयकों को भी पारित कराया जाएगा। इनमें क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने परंपरा के उल्लंघन से इनकार करते हुए कहा, प्रधानमंत्री के सर्वदलीय बैठक में शामिल होने की कोई परंपरा नहीं थी, इसकी शुरुआत मोदी जी ने की थी। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री के शामिल होने की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम कृषि कानूनों के बारे में और पूछना चाहते थे क्योंकि कुछ आशंकाएं हैं कि ये तीन कानून फिर से किसी और रूप में आ सकते हैं। बैठक में कल 31 दलों ने शिरकत की। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बैठक के बीच में ही वॉकआउट कर दिया। पार्टी के संजय सिंह ने कहा है कि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार नियमों के तहत किसी भी मुद्दे पर सदन के पटल पर चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार है। जोशी ने सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सहयोग का भी अनुरोध किया। इसी के साथ आपको बता दें कि किसानों के नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार को अपना रुख बदल लेना चाहिए और MSP पर गारंटी का कानून तुरंत लाया जाए, अन्यथा 26 जनवरी दूर नहीं है और 4 लाख ट्रैक्टर और किसान भी वही है। केंद्र सरकार ने बड़े ही कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया हो और सोमवार यानी आज संसद में इसको लेकर बिल भी पेश किया जाएगा, लेकिन किसान नेताओं का रुख नरम नहीं हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मुंबई में कुछ ऐसे ही रुख का इजहार किया है। ANI के मुताबिक टिकैत ने कहा है कि सरकार धोखा कर रही है, सावधान रहने की जरूरत है। अभी सरकार बात करने के लाइन में नहीं आई है कि सरकार षड्यंत्रकारी और बेईमान और धोखेबाज है, किसान समाज और मजदूरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द करने की किसानों की मांग तो मान ली है, लेकिन किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहा संयुक्त किसान मोर्चा MSP गारंटी पर कानून, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने जैसी कई पर अजा हुआ है। आज देखना यह होगा कि आज संसद सत्र में क्या फैसला लिया जाएगा। ऐसी ही कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए अर्थप्रकाश टीवी पर। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।